जल लेक ने केप टाउन में सामना किया एक डरावने हादसे का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। जहाँ एक तरफ खतरों के खिलाड़ी शूटिंग में स्टंट्स का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ केप टाउन में उन्हें एक ऐसे डरावने हादसे का सामना करना पड़ा जिसको देख रूबीना दिल लेक काफ़ी परेशान हो गई थी। आखिरकार क्या है ये, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी धमाका पर। वह आपको बता दें कि रूबीना दिल लेक लगातार अपने फैंस के साथ में अपने इमोशंस शेयर करती रहती हैं, और इसीलिए रूबीना ने अब फाइनली चुप्पी तोड़ दी है कि उन्होंने केप टाउन में एक ऐसे डरावनी चीज़ देखी थी जिसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। दरअसल रात के 9 बजे जब वह उठी तो उन्हें एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई थी, और उसी आवाज़ के डर की वजह से वह उठ गई थी। जब उन्होंने अपनी विंडो से नीचे झांका तो उन्होंने देखा कि कुछ दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हुई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने यहाँ पर गन शॉट की आवाज़ भी सुनी है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि रूबीना काफ़ी कंफ्यूज लग रही है। रूबीना को ये यकीन नहीं हो रहा कि वो सिर्फ गाड़ियों के टकराने की आवाज़ थी या फिर यहाँ पर किसी का गनशॉट हुआ है। इनफैक्ट रूबीना ने ये भी प्रार्थना करी उसी वक्त कि जिस भी इंसान को अगर कोई चोट आई हो तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो। मैं यहाँ पर ये देखकर काफ़ी डर गई हूँ, उम्मीद नहीं की थी। वह आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें ग्रुप में मैसेज भी आया है, आई होप सब कुछ ठीक हो। वह आपको बता दें कि रूबीना ने इसमें डेट भी बताई है। ये हादसा उन्होंने 24 जून को देखा है, 24 जून रात 9 बजे। वेल, आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक टीवी धमाका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।